दलीप, इन्होंने लिखा है कि ये भाई पिछले 30 सालों से शराब का नशा करते थे, जिसके कारण इनके घर में लड़ाई झगड़ा रहता था। ये नशे को छोड़ना चाहते थे पर छोड़ नहीं पा रहे थे। फिर ये भाई चर्च में आने लगे और उसके बाद ये भाई शराब के नशे से आजाद हो गए। अब इनका नशा करने को मन ही नहीं करता। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पूरे कलेश जय मसीह जी, पास्टर जी जय मसीह जी। मैं पिछले 30 साल से दारू पी रहा था, लेकिन पिछली 7 तारीख को मेरे को बपतिस्मा मिला और उसके बाद मेरे दारू छूट गई। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी। 30 साल हो गए दारू पीते? 30 साल हो गए जी मेरे को। 30 सालों से शराब पी रहे थे? हाँ जी। तो फिर घर में कैसे हालात थे? घर में नाजुक हालात थे और लड़ाई झगड़ा भी रहता था। लड़ाई झगड़ा रहता था? हाँ जी। और 7 तारीख को मेरे को बपतिस्मा मिला। घर के लोग समझाते नहीं थे बिना पी? समझाते थे, कोशिश भी बहुत की थी 2-3 बार, लेकिन इस बार सफल हुआ। इस बार सफल हो गए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। तो 30 सालों से शराब का नशा करते थे और जिसके कारण लड़ाई झगड़ा भी रहता था। ये नशा छोड़ना चाहते थे पर छोड़ नहीं पा रहे थे। जब ये भाई चमत्कार चर्च में आने लगे और इन्होंने पवित्र स्नान किया, तब से ये भाई शराब के नशे से आजाद हो गए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक दिन भी कोई शराबी आ जाए ना, कोई रिश्तेदार आ जाए, तो एक घंटा ही उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। 30 साल निकल गए, घर के परिवार के लोग बेचारे क्या सोचते होंगे, कैसे हालात रहे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस छुटकारे के लिए।